नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के दिशा निर्देशानुसार नांगल चौधरी पुलिस ने शहर वासियों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली निकाली, जिसे एएसपी प्रवीणा पी ने नांगल चौधरी बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये साइकिल रैली बाजार से होते हुए पुलिस थाना नांगल चौधरी जाकर संपन्न हुई। इस दौरान एएसपी और थाना प्रभारी नांगल चौधरी ने खुद भी साइकिल चलाकर शहरवासियों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। एएसपी प्रवीणा पी ने बताया कि इस साइकिल रैली का मकसद लोगों को और युवाओं को जागरूक करना था। उन्होंने कहा कि आज नशा एक ऐसी बीमारी है जो युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में ले रही है। शराब, सिगरेट, तंबाकू एवं ड्रग्स जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन करके युवा वर्ग नशे का शिकार हो रहा है। नशा एक ऐसी बीमारी है जिसकी गिरफ्त में आकर व्यक्ति दिन प्रतिदिन इस दलदल में धंसता चला जाता है और अंत में असमय मौत का शिकार हो जाता है। इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए पुलिस की ओर से समय समय पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस का प्रयास युवाओं को नशे से दूर कर उन्हें शिक्षा और खेलों के साथ जोड़ना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस रैली का मकसद ये भी है कि पुलिस और आमजन में आपस में सामंजस्य बना रहे। उन्होंने जनता से इस अभियान में पुलिस का सहयोग करने की अपील की कि अगर उनके आसपास कोई व्यक्ति नशा सप्लाई करता है तो तुरंत ऐसे लोगों की जानकारी पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि जो भी नशा छोड़ना चाहते हैं वो सिविल अस्पताल या नशा मुक्ति केंद्रों में जाकर सलाह ले सकते हैं, उनका इलाज भी किया जाएगा और संबंधित विभाग की तरफ से उनकी हर संभव मदद भी की जाएगी। नांगल चौधरी से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। आज हम ये नांगल चौधरी एरिया में साइकिल रैली निकाला, ये हमारा हरियाणा उदय प्रोग्राम के अंडर हम किया था। हरियाणा उदय जून 1 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में हम ये प्रोग्राम शुरू किया। ये एक पुलिस पब्लिक आउटरीच कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है। सो कैसे पुलिस और पब्लिक मिला के काम कर सकते, उनका दूरी है वो हम कम कर सकते। सो इसके अंदर अलग अलग तरीके से प्रोग्राम है नशा मुक्त करने के लिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है गांव को, यूथ को पुलिस के तरफ एक फ्रेंडली बिहेवियर से लेके आने के लिए और उनको ये नशे के विरोध साइबर अवेयर क्राइम के बारे में अवेयरनेस देना। इसके अलावा हमारा पुलिस की पाठशाला भी है, ट्रैफिक अवेयरनेस, रोड सेफ्टी और साइबर क्राइम का रूल्स, वीमेन राइट्स का कोई भी लीगल प्रोविजन्स है उनके। सो ये सब हम गांव में जाके हम कर रहे हैं। सो ये नहीं है अभी तक ज़्यादातर पब्लिक पुलिस के तरफ से आ रहा था, हम अभी गांव गांव में जाके पुलिस खुद हम पब्लिक के तरफ जा रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।